दोस्तों एक चीज अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो अभी भी बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो भाई मुनव्वर पर घुमा फिरा के इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी जो फैंस हैं बिग बॉस के जो अभी तक ब्लेम गेम खेल रहे हैं और इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं मुनव्वर पे, जबकि बिग बॉस ख़त्म हो चुका है और बिग बॉस के बारे में मतलब जो भी एक हिसाब से कहा जा सकता है कि हाइप तो चली ठीक है चल रहा है, बट बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, बिग बॉस की जो एंगेजमेंट थी एक टाइम तक की वो ख़त्म हो चुकी है, बट फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी बिग बॉस से ही मुनव्वर का नाम जोड़ रहे हैं। आखिर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं फीफा फूस, मेरा नाम गणेश कांदू है और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों एक तरफ जहाँ पे ये बात कही जाती है कि मुनव्वर का बिग बॉस के घर में गेम ही क्या था, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुनव्वर का संपत्ति गेम बहुत सही था और मुनव्वर जीतना डिजर्व भी करते थे। दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि मुनव्वर ने बिग बॉस के घर में किया ही क्या, तो बदले में जवाब ये भी आता है कि मुनव्वर ने वो सब किया जो तुम्हारे फेवरेट्स ने नहीं किया। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये मामला दोबारा से शुरू हुआ है, ये सवाल जवाब के सिलसिले दोबारा से शुरू हुए हैं कि बिग बॉस के घर में मुनव्वर ने किया क्या, जिसके बाद एक बहुत सरल सा जवाब है कि आप खुद सोचिए, अगर कुछ नहीं किया तब भी ट्रॉफी जीत गया, अगर कुछ कर दिया होता तब तो भाई आप लोग दिखाई भी नहीं देते। इस तरीके का जवाब इस समय मुनव्वर की जनता और मुनव्वर का फैंडम दे रहा है, और अब वो भी बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से इस चीज़ पर जवाब दे रहे हैं। इतने समय से जितने फैंस थे वो सब इग्नोर कर रहे थे इस बात को, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुल कर इस पर वो लोग भी जवाब दे रहे हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।